पाएं 1,00,000 रुपए जीतने का मौका। भाग लें आज तक के ऐप के चुनावी पंडित कॉन्टेस्ट में। जहां पूरे देश में CAA का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं MP के खरगोन में CAA के समर्थन में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। इस रैली में लोगों ने CAA के समर्थन में नारेबाजी की है और एक सभा का आयोजन किया है, जहां विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने लोगों को CAA के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो संदेश दिया वो आम पब्लिक को, और आप क्या देना चाहेंगे? हम ये देना चाहेंगे कि ये जो कानून आया है, ये किसी भारतीय नागरिक को वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। वह अफगानिस्तान, बंगाल, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता देने के लिए। तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लोग CAA का विरोध कर रहे हैं उनको, और जो लोग जिनको ये जानकारी नहीं है उनको ये संदेश हम देना चाहते हैं कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो लोग स्वतंत्रता के बाद या विभाजन के बाद जो भी मुसलमान यहाँ भारत में भी हैं, उनको कोई बाहर नहीं, उनकी कोई नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने का प्रावधान है। सर, आपका शुभ नाम? सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री। आपको बता दें कि CAA पर कानून बनने के बाद भी कई प्रदेशों में अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया गया है। MP में कमलनाथ सरकार ने भी इस कानून को लागू करने से मना कर दिया है, लेकिन BJP ने भी MP में CAA के समर्थन में जमकर रैली की है और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी दी है। अब देखना ये है कि MP में CAA के समर्थन में होने वाली रैलियों का आने वाले वक्त पर क्या असर पड़ सकता है। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट।